जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पूजा जाने लगती है तो जैक उसे कहता है, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुको जरा। तो पूजा जैक से बात करने लगती है, वहां मिनसुक भी होता है। अब आगे, अब पूजा को होटल में दिखाया जाता है जो कि शावर लेने के लिए जा रही होती है। तभी वह अपने गले पर हाथ लगाती है तो कहती है, अरे मेरा लॉकेट कहाँ गया? फिर वह कहती, पक्का उस जंकुक ने ही लिया होगा, अभी जाती हूँ उसके पास। और वह जंकुक के पास जाती है तो वह पहले अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि सीसीटीवी को बंद करवाओ कुछ मिनट के लिए, मुझे कुछ काम है किसी से। तो वह कहते हैं, ठीक है मैम। तो वह जंकुक के को की बेल बजाती है तो जंकुक दरवाजे पर आता है और कहता है, आप कौन? तो पूजा कहती, क्या क्या कहा तुमने बेबी? मैं कौन? तुम मुझे नहीं जानते? तो जंकुक कहता है, हाँ शायद आप आए हुए हो लेकिन शायद मैं भूल गया हूँ, कौन हो आप? तो पूजा कहती, बहुत हो रहा है तुम्हारा, हाँ बहुत ज्यादा नौटंकी, क्या बोल रहे हो तुम कि तुम मुझे नहीं जानते बिल्कुल भी? तो जंकू कहता, हाँ मुझे याद आया, आप आरपीए कंपनी की मेंबर हो ना? ओ सॉरी मैं भूल गया था। तो पूजा कहती, क्या बस इतना कि मैं आरपीए कंपनी की मेंबर हूँ, तुम बस मुझे इतना ही जानते हो, कुछ ज्यादा नहीं है, नौटंकी हो रही है? तो जंकू कहता है, आप क्या बात कर रही हैं और किस बारे में बात करनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूजा कहती, खैर छोड़ो, मुझे मेरा लॉकेट वापस दो। क्या क्या परेशानी क्या है तुम्हारी, तुम बार बार मेरे लॉकेट को क्यों चुराने लग जाते हो? तो जंकू कहता, क्या कहा आपने, मैं आपके लॉकेट को चुराने लग जाता हूँ? कौन सा लॉकेट, कैसा लॉकेट, मैं तो जानता ही नहीं जब आपको, और रही बात मैं आपके लॉकेट को क्यों चुराऊंगा, कब चुराया मैंने आपका लॉकेट? तो पूजा कहती, देखो जंकू तुम्हें पता है ना वह लॉकेट मेरी माँ का है, और अपनी नौटंकी साइड में रखो और मेरा लॉकेट मुझे वापस दो। तो जंकू का नॉर्मली होकर कहता है, तुम्हारा लॉकेट मेरे पास नहीं है, ठीक है? और ये क्या बात हुई कि हर बार तुम्हारा लॉकेट गायब होता है तो उसमें मैं ही होता हूँ? तो पूजा कहती है, ठीक है मत दो, रखो अपने पास, और गुस्से में वहां से जाने लगती है। तो जंकू कहता, अजीब लड़की है, मतलब इसे लगता इसके लॉकेट के पीछे पड़ा हूं मैं। तो शाम को जब खाना खाया जाता है तो सभी बाहर बालकनी में आकर देखते हैं, शहर का नजारा लेते हैं। तो तभी एक सेलिब्रिटी का डॉग होता है जो कि वो अपने पास लेकर आई होती है, तो वह सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही होती है उसे। उसका होली नाम होता है, कितनी प्यारी, जैसे सुगा की, उसका डॉग का नाम भी होली है ना। तो कहती, देखो होली कितना प्यारा है, होली कितना प्यारा है। और जैसे वह पूजा के पास लेकर आती तो पूजा एकदम डर जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो एकदम पसीना आने लगता है उसे इतनी ठंड में भी, और सब उससे देख रहे होते हैं। और चंकू तो एकदम शॉक हो जाता है कि ये डॉग से इतना क्यों डर रही है, इसे तो डॉग से प्यार था ना, ये नॉर्मली सड़क पर चलने वाले डॉग से बात कर लेती थी, और इतना डर क्यों लग रहा है उसे? वह एकदम सहम जाती है और पसीना पसीना होकर वहां से भाग जाती है। तो वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता और कहता, क्या ये लड़की में कुछ अजीब ही बदलाव है, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। तो अब जंकुक और शाम को फिर से पार्टी होती है और सभी अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कुछ लड़कियां होती हैं जो कि जंकुक की फैन होती हैं, यानी कि कुछ सेलिब्रिटियां होती हैं। अब जंकुक जैसे कि हैंडसम है तो एक होती है एक अमेरिका की लड़की, तो वह जंकुक से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, और जंकुक भी उससे काफी हद तक अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से उसकी फ्लर्टिंग टाइप को एंजॉय कर रहे होते हैं। और पूजा को तो देखकर जल भुनी जा रही है वो तो, और बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसे। तो फिर उसे मिनसुक की बात याद आती है और वह कहती है कि हाँ मुझे कहा था उसने कि कभी कोई जरूरत पड़े तो वो मुझे बुला सकती है। तो वह मिनसु के पास फोन करती है और कहती है, तुम अभी के अभी आओ। तो मिनसु कहता, मैं कैसे आ सकता हूँ, उस होटल में तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं, यहाँ तक कि कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी भी नहीं आ सकती। तो पूजा कहती है, इसकी टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँ, तुम चुपचाप आओ। और वह अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करती है। तो मिनसुक आता है, तो मिनसुक बाहर ही होता है तो पूजा उसके पास जाती है और पूजा कहती है, कुछ टाइम के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो मिनसुक कहता, क्या कुछ टाइम के लिए, मैं तो पूरी लाइफ बनने के लिए तैयार हूँ।
तो पूजा कहती है, ज्यादा खुश मत हो, बस मुझे इसे दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? देखो किसे उस लड़की से चिपक रहा है। तो मीनू कहता, ओ तो मतलब जेलसी प्रिपे करनी है तुम्हें। तो पूजा कहती, कोई जेलसी नहीं है, बस मुझे दिखाना कि मैं किसी से कम नहीं। अब इसे ये लग रहा होगा कि इसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं और मेरे पास कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं उसी के दोस्त को बताऊंगी। तो मिसु कहता, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। हम कहते हैं, हम अच्छा सा डांस करते हैं, और वह डीजे को बोलकर पूजा और मिसु बहुत अच्छा डांस करते हैं, यहाँ तक कि बहुत क्लोज होते हैं। कभी वह उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है, कभी उसकी कमर को। और अब जोंगकुक का हर लड़की से ध्यान हटकर मिसु को से पूजा पर होता है। अब जोंगकुक को वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो एकदम शराब पर शराब पिए जा रहा है। तो थोड़ी देर में उनका डांस खत्म होता है, सभी क्लैपिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर पूजा के फोन की रिंग बजती है, तो पूजा फोन उठाने बाहर चली जाती है। तो तभी जंगकुक अचानक से आता है और मिसु का हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ ले जाता है और कहता है, क्या हो रहा है ये सब, क्या कर रहे हो तुम? तो मिसु कहता, क्या कर रहा हूँ क्या मतलब तुम? हाँ सच में मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या ना, मैंने पूजा को प्रपोज किया हाल में, मैं डेट कर रहा हूँ उसे। तो जंगकुक कहता, तुम पागल हो गए, तुम क्या बोल रहे हो? तो मिसु कहता, बिल्कुल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल होश में हूँ और मैं सही कह रहा हूँ, पूजा ने एक्सेप्ट भी किया है। तो जंगकुक कहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिसु कहता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे लिए दोस्त थी और तुमने उसे मना भी किया, यहाँ तक कि मैंने तो ये तक सुना है कि तुम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। हाँ तो भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमने तो कहा था ना तुम उससे नफरत करते हो, तो बस मुझे तो कम से कम डेट करने दो, अच्छी लड़की है। तो जंकू कहता, देखो मिनसुख उससे दूर रहो तुम। तो मिनसुख कहता, क्यों रहूं मैं दूर? तुम्हारा उसका कोई रिलेशन नहीं, यहाँ तक कि दोस्ती तक का रिलेशन नहीं है, तो क्यों रहूं मैं उससे दूर? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उससे अब भी प्यार करते हो, तुम्हें जेलसी हो रही है? तो जंकू कुछ देर के लिए चुप रहता है। तो मिनसु कहता है, अरे नहीं नहीं तुम्हें जेलसी नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है, लड़कियों की कमी थोड़ी ना। हाँ आए दिन नई गर्लफ्रेंड हो सकती, तुम्हारी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो यार, क्या तुम भी उसको मेरे लिए छोड़ दो प्लीज। तो जंकू वापस से मिनसु कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने एक बार भी उसे टच किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मिनसुक कहता है, क्यों, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? तो जंकू कहता है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरी है और सिर्फ मेरी है, ठीक है? और हाँ होती है मुझे जेलसी, क्योंकि नहीं भूल पा रहा मैं उसे, मैंने उससे नफरत करने की कोशिश की, नहीं हो रही मुझसे नफरत, मैं उसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा मुझसे। मानता हूँ कि मैं उससे गुस्सा हूँ, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं कर सकता और ये मेरे बस में नहीं है, दूर हो तुम उससे, ठीक है? तो मिनसुक हंसने लगता और कहता है, अबे मैं दूर ही हूँ उससे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो तुमसे प्यार करती, तुम उससे प्यार करते हो, वो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए मेरे पास आई थी, ना तो उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, ना ही मैंने उससे कोई प्रपोज किया है, ठीक है? तो जंकू कहता, मुझे जेलसी फील करवा रही थी, मतलब क्या है तुम्हारा कि वो? हाँ हाँ वो तुमसे प्यार करती है, बस उस दिन तुम्हें गुस्से में तुमसे दूर रखना चाहती है, तुम्हें अपने आप से, क्योंकि एक रीजन है। और उसका पूजा का लॉकेट देता है। तो जंकू कहता है, तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया? वो मुझ पर भड़क रही थी कि उसका लॉकेट खो गया, हाँ मैंने चुपके से इसके उससे ले लिया था, क्योंकि इस लॉकेट में एक चिप है और चिप में एक स्टोरी है जो उन 10 सालों में बीती है, जिसकी वजह से पूजा ऐसी हो गई है और तुम्हें अपने आप से दूर कर रही है। उसे सुनना जरूर, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लड़की आज भी नहीं बदली तुम्हारे लिए। तुम तो 10 साल से सिर्फ उसकी दोस्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो 10 साल से तुमसे प्यार करती आ रही है, ठीक है? और ये कहकर मिनसुक वहां से चला जाता है और एपिसोड यहीं खत्म होता। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।